स्मार्ट बाउंड करने के कितनी देर बाद पेंट करना चाहिए वो भी सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और जो आपको ये जोड़ नजर आ रहे हैं ना अंदर तक फिल हो जाए, ये काम करवाने से इंशाल्लाह मडीगार्ड्स की जो लाइफ है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। अब ये मडीगार्ड जो होगा वाटर प्रूफ बन जाएगा जब ये स्मार्ट बाउंड खुश्क होगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रस्ट लगना वो शुरू हो चुका है और यही रस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। और जब स्मार्ट बाउंड जो है अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर आपने मडीगार्ड्स को अंदर से, बाइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है 2024 मॉडल के मडीगार्ड्स और रिम की प्रोटेक्शन के लिए ये काम करवाना। होंडा सीजी 125 2024 मॉडल खरीदने के बाद कब बाइक के मडीगार्ड और रिम्स को पेंट करवाना चाहिए? आपकी बाइक के मडीगार्ड और रिम में जब हल्का हल्का सा रस्ट लगना शुरू हो जाए तो तब आपको मडीगार्ड को अंदर से पेंट और रिम्स को भी अंदर से पेंट करवाना चाहिए, और पेंट के अलावा स्मार्ट बाउंड भी करवानी चाहिए। पहले आपने स्मार्ट बाउंड करवानी है, उसके बाद पेंट करना है। सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अक्सर औकात आपने देखा होगा मैकेनिक्स जो हैं स्मार्ट बाउंड या पेंट करने से पहले दुम रबर्स नहीं खोलते, इसी तरह पेंट या स्मार्ट बाउंड लगा देते हैं। तो बेस्ट तरीका जो है वो आपने पहले दुम रबर्स जो हैं दोनों मडीगार्ड्स की, बैक वाले की भी और फ्रंट वाले की भी, खोल लेनी है। उसके बाद आपने पहले स्मार्ट बाउंड करनी है और फिर आपने पेंट करना है, और पेंट भी अच्छी क्वालिटी का करना है। स्मार्ट बाउंड करने के कितनी देर बाद पेंट करना चाहिए वो भी सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और उसके अलावा रिम को अंदर से स्मार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी हम जल्दी जल्दी से इस बाइक के दोनों व्हील्स खोल लेते हैं, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी, और इस बाइक के दोनों मडीगार्ड्स खोल लेते हैं। सीट खोल के इसका मडीगार्ड खुलेगा रेयर वाला, फ्रंट वाला व्हील खोल के खुल जाएगा। सीट तो है अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी है, और साथ में इस बाइक का जो है व्हील भी वो भी खुल रहा है। मडीगार्ड को बाइक से अलग करने के लिए जितनी भी वायरिंग्स के कनेक्शन है वो आपने डिस्कनेक्ट कर देने हैं। मडीगार्ड के साथ आपको पता है इंडिकेटर्स और बैक लाइट के कनेक्शन होते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करके मुकम्मल मडीगार्ड को आपने बाइक से अलग करना है। चार अदद बोल्ट्स होंगे 10 mm के, 10 mm के टी रॉड की मदद से चारों बोल्ट्स को आपने लूज कर लेना है। बैक मडीगार्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइक से अलग हो चुका है। बाइक की अभी हमने वाटर सर्विस नहीं करवाई थी, उसका रीज़न ये है कि बाहर बारिश हुई है, तो इस मडीगार्ड को हमने जस्ट वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ही इसको स्मार्ट करनी है। इतनी देर में इसका जो है फ्रंट वाला मडीगार्ड वो भी खोल लेते हैं बाइक के व्हील को अलग करके। रिम्स को अंदर से पेंट करने के लिए सबसे पहले हमने टायर ट्यूब जो है वो उतार लेना है टायर लीवर की मदद से, उसके बाद दोनों रिम्स जो हैं वो हमने अंदर से पेंट करने हैं। और फिर आपने दोनों मडीगार्ड्स को अंदर से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अगर जो रस्ट लगा हो तो एमरी पेपर लगा लेना है, अगर रस्ट ना लगा हो तो एमरी पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर कोई भी अच्छी कंपनी की स्मार्ट बाउंड लेनी है आपने, उसको मडीगार्ड के अंदर एक बार अच्छी तरह फिला देना है। और जो आपको ये जोड़ नज़र आ रहे हैं ना, इन जोड़ के अंदर स्मार्ट बाउंड जो है अंदर तक फिल हो जाए, ताकि पानी जो है यहाँ पे जाके वर्क ना करे, क्योंकि ये जो जोड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना इन्हीं जोड़ के अंदर ही पानी जाता है और यहाँ से खुश्क नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहीं से मडीगार्ड जो है वो गलना शुरू हो जाता है। स्मार्ट बाउंड जो है आपने अच्छी तरह मडीगार्ड के अंदर एक बार पूरे मडीगार्ड के अंदर फिला देनी है किसी भी ब्रश की मदद से। ब्रश की मदद से मडीगार्ड जो है अच्छी तरह लग जाएगी मडीगार्ड के अंदर। सबसे पहले तो आपने ब्रश की मदद से सारे मडीगार्ड में स्मार्ट बाउंड लगा लेनी है अच्छे से, उसके बाद एक बार फिर स्मार्ट बाउंड आपने मडीगार्ड के ऊपर डालनी है अंदर वाली साइड पे, और उसको पूरे मडीगार्ड में फिला देना है। अब ये जो लेयर बनेगी बहुत मोटी लेयर बन जाएगी जो इस मडीगार्ड को वाटरप्रूफ बना देगी। इस तरह करके आपने इस स्मार्ट बाउंड को जो है वो पूरे मडीगार्ड में फिलअप कर देना है। अब ये मडीगार्ड जो होगा वाटरप्रूफ बन जाएगा जब ये स्मार्ट बाउंड खुश्क होगी, ये रबड़ का काम करेगी। अब मडीगार्ड के ऊपर वाली साइड पे मट्टी लगे या पानी लगे वो मडीगार्ड पे नहीं लगेगी, स्मार्ट बाउंड पे लगेगी। और स्मार्ट बाउंड के ऊपर सबसे स्पेशल बात यह है कि हमने पेंट भी कर देना है।
फ्रंट मड़ी गार्ड को क्लियर करने के बाद बैक मड़ी गार्ड पे ये जो आपको होल नजर आ रहे हैं इसके अंदर से वायरिंग गुजरी होती है जो बैक लाइट की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ पे आपने टेपिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर जो इसके अंदर स्मद बाउंड चली गई ये जो वायरिंग है जब भी आप कभी निकालेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेप लगा के सुराख को बंद कर दिया और यहाँ पे भी हमने टेपिंग कर दी है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर स्मद बाउंड लगानी है। स्मद बाउंड जो है मड़ी गार्ड के अंदर आप देख सकते हैं हमने डाल दिया। अब इसको हमने पूरे मड़ी गार्ड में फिला देना है इस तरह करके, जोड़ वगैरह हैं उनके अंदर सारी स्मद बाउंड जो है अच्छे से फिलअप हो जाए और पूरे मड़ी गार्ड के अंदर वाली साइड पे स्मद बाउंड की एक लेयर बन जाए। और जब ये लेयर खुश्क होगी तो ये हार्ड रबड़ बन जाएगी। और उस रबड़ का फ़ायदा ये होगा कि आपकी बाइक का ये वाला जो मड़ी गार्ड है वाटर प्रूफ हो जाएगा। अब मिट्टी का जो असर ख़त्म करने के लिए हमने इसके ऊपर पेंट कर देना है। ये काम बहुत ज़रूरी है, जब कभी भी आप न्यू बाइक परचेज़ करें तो ये काम आपको ज़रूर करवाना चाहिए, स्मद बाउंड या फिर अंदर से पेंट भी आप करवा सकते हैं। इसी तरह जो रिम्स होंगे रिम्स को भी हम आपको बताते हैं कि हमने स्मद बाउंड लगानी है या नहीं लगानी है, अगर जो लगानी है तो क्यों लगानी है, अगर नहीं लगानी तो उसका रीज़न क्या है। दोनों मड़ी गार्ड्स को स्मद बाउंड लगाने के बाद धूप में खुश्क होने के लिए हमने रख दिया और काफ़ी हद तक ये मड़ी गार्ड जो हैं वो खुश्क हो भी चुके हैं। इस दौरान हमने क्या करना है, इन रिम्स के अंदर वाली साइड पे पेंट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रस्ट लगना वो शुरू हो चुका है और यही रस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा और ये जो रिम है बाहर से आपको बिल्कुल ठीक नज़र आएगा, शाइनिंग वैसे ही नज़र आएगी, लेकिन अंदर से गलना शुरू हो जाएगा और फिर अंदर से ही सुराख होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप न्यू बाइक परचेज़ करें, परचेज़ करने के बाद आप उनको अंदर से पेंट करवाएं तो ये मसला कभी भी नहीं बनेगा। और ये पेंट जो है आपको चेक करवा लेना चाहिए कि अक्सर उकात ये पेंट जो है वो ख़राब हो जाता है साल दो साल ढाई साल के बाद, दोबारा से फिर आपने इनको दोबारा पेंट करवा लेना है। ये जो पेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये बग़ैर भट्टी वाला पेंट है, जो बाइक्स और कारों के पार्ट्स के ऊपर होता है ये वो वाला पेंट है, शाइनिंग ब्लैक। एक साइड से पेंट करने के बाद दूसरी साइड पे भी आपने पेंट करना है और जब आप पेंट कर रहे हैं याद रहे कि ये जो किनारी है इस किनारी के ऊपर पेंट ना लगे, सिर्फ अंदर ही हो पेंट। अगर जो फॉर एग्जांपल लग भी जाता है तो पेट्रोल की मदद से फौरन आप साफ भी कर सकते हैं। एक रिम पेंट हो चुका है, इसको हमने धूप में रख देना है, ये भी खुश्क हो जाएगा। दूसरे को इतनी देर में पेंट कर लेते हैं, जब ये पेंट हो जाएंगे तो फिर मड़ी गार्ड्स को हमने पेंट करना है। बैक रिम जो है उसको भी हमने अंदर से पेंट कर दिया, अब इसको भी धूप में रख देंगे थोड़ी देर। A few moments later. फ्रंट रिम और बैक रिम इनको अंदर से पेंट किया है, फ्रंट मड़ी गार्ड और बैक मड़ी गार्ड इनको अंदर से स्मद किया है। अभी इनको पेंट करना है क्योंकि जो स्मद है वो खुश्क हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। जब स्मद बाउंड जो है अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर आपने मड़ी गार्ड्स को अंदर से पेंट कर देना है। और पेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि जो मिट्टी वगैरह होती है स्मद बाउंड के ऊपर वो अच्छे से चिपक जाएगी, उतरेगी नहीं, और जब पेंट हो जाएगा तो पेंट के ऊपर मिट्टी की पकड़ जो है वो कम होती है, वाश कराने से उतर जाएगी। यहाँ से पेंट जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर धूप में रख देना खुश्क होने के लिए। और उसके बाद फिर आपने पहले फ्रंट वाला मड़ी गार्ड फिट कर लेना है और बाद में आपने बैक वाला मड़ी गार्ड फिट कर लेना है। दोनों मड़ी गार्ड्स फिट हो जाएंगे फिर जाके आपने व्हील्स की फिटिंग करनी है। वायरिंग वगैरह की आपने एक बार सेटिंग कर लेनी है ताकि बाद में आपको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। फ्रंट मड़ी गार्ड के भी चार बोल्ट्स होते हैं, दो एक शॉक में और दो दूसरे शॉक में, इनको भी चारों को आपने टाइट कर देना है। इसी तरह बैक मड़ी गार्ड के भी चार बोल्ट्स होते हैं, दो यहाँ पे लगे होते हैं और दो यहाँ पे, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। और इन बोल्ट्स के अंदर एक बुश दिए गए हैं, अक्सर औकात मैकेनिक्स जो हैं वो बुश निकाल देते हैं। वो बुश अगर जो आप निकाल देंगे तो थ्रस्ट बढ़ जाएगी, जिससे बाइक आपको वाइब्रेट फील कराएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा बाइक चलाने में। और उसके बाद हमने बाइक के दोनों व्हील्स को फिट कर देना है प्रॉपर तरीके के साथ। मीटर गरारी जो होती है उसको ग्रीस लगानी होती है, लेदर्स को साफ़ करना होता है और फिर जाके आपने व्हील को फिट कर देना है। और जब आपने एक्सल फिट करना है एक्सल को भी साफ़ करके ग्रीस लाजमी लगा लेनी है।
एक्सल जो है हमेशा वो उस साइड से फिट करना चाहिए और इस साइड से नट लगाना चाहिए। उसके बाद व्हील को घुमा के ब्रेक लगा के फिर एक्सल को टाइट करना है और फिर इसी तरह आपने बैक व्हील को फिट कर देना है। लेदर्स को साफ करना होता है, रेयर स्प्रॉकेट को भी साफ करना है। साफ करने के बाद चैन को लगाना है। चैन लगाने के बाद आपने इस व्हील को भी मुकम्मल तौर पर फिट कर देना है। एक्सल को लगाने से पहले आपने ग्रीस लाजमी लगा लेनी है। जब भी व्हील फिट किया जाता है तो चैन की एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से करनी चाहिए और चैन को न्यू ऑयल के साथ लुब्रिकेट करना चाहिए। बाइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। 2024 मॉडल के मडी गार्ड्स और रिम की प्रोटेक्शन के लिए ये काम करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज जो है बारिश के मौसम हो या वैसे भी मडी गार्ड्स जो हैं अंदर से जंग लगना शुरू हो जाता है और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। रिम्स भी ऐसे ही होते हैं, मडी गार्ड्स भी ऐसे होते हैं। ये काम करवाने से इंशाल्लाह मडी गार्ड्स की जो लाइफ है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।